हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज हमारे सामने खड़ा है NS200 BS6 मॉडल का न्यू कलर, जो कि ग्रे एंड व्हाइट अलॉय व्हील्स के साथ अभी आया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि ये कलर कब तक आएगा, तो फाइनली ये कलर आ चुका है शोरूम्स पर। आप अपने नियरेस्ट शोरूम पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी हम गिरिडीह में हैं, तो हमारे पास अभी यहाँ पे वैद्यनाथ बजाज में भी हम आए हुए हैं, यहाँ पे शोरूम में ये बाइक आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप डायरेक्ट आकर शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं तो इस बाइक में अगर चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रंट में आपको जो मेजर चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसमें आपको कार्बन फाइबर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बार न्यू ऐड किया है कंपनी ने। कार्बन फाइबर टाइप का इसमें आपको एक फिनिशिंग मिल जा रहा है, जो कि इसमें मतलब एम्बेडेड है, कोई स्टिकर नहीं है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें फ्रंट में आपको व्हाइट कलर के अलॉय व्हील्स कंपनी ऑफर कर दे रही है, जो कि एकदम न्यू इस बार मिला है। और आपको यहाँ पे ग्रे में स्टिकरिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपको ABS की बैजिंग मिल जाती है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर इस साइड की, तो यहाँ आप देख सकते हैं 200 का आपको व्हाइट कलर में बैजिंग मिल जाता है। और ये जो बॉडी में यहाँ पे आपको व्हाइट कलर में इस बार कंपनी इस बार ऑफर कर रही है, पहले ही आपको ब्लैक में मिलता था, और यहाँ रबर की एक पैडिंग न्यू ऐड की गई है इस बार। और अगर हम बात करते हैं टैंक की, तो टैंक में कोई भी चेंज नहीं आया है, सेम टैंक जो आपको पहले मिलता था वही आपको मिलता है यहाँ पे, सेम आपको टैंक पैड मिल जाता है। और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग इस बार आ गई है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे सीट में, तो सीट में यहाँ पे थोड़ा इस बार डिज़ाइन ऐड किया गया है, जो कि मतलब काफ़ी एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है इस बाइक को, मतलब एक डिफरेंट लुक दे रहा है। और अगर यहाँ की हम बात करते हैं, तो यहाँ NS200 की आपको बैजिंग मिल जाती है, और वाइट में एक स्ट्रैप मिल जाता है। और अगर बैक सेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाता है, और ये भी स्टिकरिंग इस बार न्यू ऐड किया गया है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे टेल टाइडी की, तो टेल टाइडी आप देख सकते हैं इस बार ब्लैक कलर में आई है, जो कि पहले एल्युमिनियम कलर में आती थी। इंडिकेटर्स आपको सेम बल्ब इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। तो ये हो गया उस साइड का बात। अगर हम इधर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको सेम 130/70 का टायर मिल जाता है 17 इंच का, और इसमें भी वाइट अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, जो कि इस बार ऐड किया है कंपनी ने, जो कि मतलब देखा जाए तो पेंट का क्वालिटी ठीक ठाक है, कोई मतलब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है आप बोल सकते हैं। जो नॉर्मल जो आ रहा था उससे थोड़ा डिफरेंट इस बार कंपनी ने कुछ ट्राई किया है। अभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कलर्स कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और यहाँ पर भी आपको व्हाइट में ही सेम मिल जाता है पैजिंग, और रबर का पैडिंग यहाँ पर भी दिया है कंपनी ने। और इस साइड का बात करते हैं, तो इसका अंदर का जो बॉडी है वो भी इस बार यहाँ पे व्हाइट कलर में कंपनी ने ऑफर किया है, जो कि पहले आपको ब्लैक कलर में मिलता था। और सेम यहाँ पे आपको वाइब्रे के ब्रेक्स मिल जाते हैं फ्रंट वाले, जो कि आपको मतलब ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। तो ये था फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में फुल डिटेल्स। होप करता हूँ आपके जितनी भी डाउट्स होगी वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। और अगर आपको कुछ पर्सनली कुछ पूछना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था इसका न्यू कलर, इसमें एक और न्यू कलर्स इसमें जो ऐड हुआ है, उसका भी वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी कोई भी बाइक अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।